एक बार यूनानी दार्शनिक सुकरात समुद्र के तट पर टहल रहे थे, तभी उनकी नजर एक बालक पर पड़ी जो जोर जोर से रो रहा था। सुकरात उस रोते हुए बच्चे के पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रोने का कारण पूछने लगे। वह बच्चा बोला, मेरे हाथ में ये जो कटोरा है ना, मैं इसमें समुद्र के सारे पानी को भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कटोरे में ये पूरा समुद्र आता ही नहीं। बच्चे की बात सुनकर सुकरात उदास हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। सुकरात की आंखों में आंसू देखकर उस बच्चे ने उनसे पूछा, आपकी आंखें मेरी तरह क्यों भर आई है, जबकि आपके पास तो कटोरा भी नहीं है। सुकरात ने जवाब दिया, बेटा तू अपने छोटे से कटोरे में सारे समुद्र को भरना चाहता है और मैं अपने छोटे से दिमाग में सारे संसार का ज्ञान भरना चाहता हूँ। बालक सुकरात की बात तो नहीं समझ सका, लेकिन कुछ सोचकर बच्चे ने अपना कटोरा समुद्र में फेंक दिया और बोला, क्या हुआ समुद्र, अगर मैं तुझे अपने कटोरे में नहीं समा सकता, लेकिन मेरा कटोरा तो तुझ में समा सकता है। बच्चे की इस बात ने जैसे सुकरात की आंखें खोल दी। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर आकाश में उठाकर कहा, हे प्रभु, आपका असीम ज्ञान, आपका विराट अस्तित्व तो मैं अपने अंदर नहीं समा सकता, लेकिन मैं अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ आप में जरूर लीन हो सकता हूँ। सुकरात को ईश्वर ने एक बालक के द्वारा ज्ञान दे दिया। जिस सुकरात से मिलने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों को समय लेना पड़ता था, उस सुकरात को एक छोटे से बालक ने एक छोटे से प्रयोग से परमात्मा को पाने का रास्ता बता दिया था। दोस्तों, जब सच में ईश्वर आपको अपनी शरण में लेता है तो आपके अंदर का मैं मिट जाता है, आपका अहंकार ईश्वर के अस्तित्व में लीन हो जाता है, और जब ये मैं का भाव छूट जाता है तो सारे पूर्वाग्रह, शिकायतें, अपराध बोध, तनाव, चिंताएं, व्यग्रता, कमियां, इन सभी का ईश्वरीय चेतना में रूपांतरण हो जाता है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी ईश्वर और उसकी कृपा का अनुभव होता ही है। आप जितना अपने जीवन को आसान व सरल रखेंगे, उतना ही अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति को महसूस करेंगे।